वंशी युवा है आप और युवाओं का जोश तो वैसे ही प्रबल होता है, कैसा समर्थन मिल रहा है आपको जनसंपर्क अभियान में? वार्ड नंबर 24 में हमको तो अभी बहुत अच्छा संपर्क मिल रहा है। सारे जो जनता लोग हैं हमको समर्थन दिखा रहे हैं। वो लोग चाह रहे हैं कि युवा उम्मीदवार ही जीते और हम लोग और क्या वार्ड नंबर 24 का विकास कर सके। हमारा तो नारा ही है मिशन वार्ड नंबर 24 का नव निर्माण। आखिर क्या को? लोग हमसे यही बोलते हैं ना कि वहाँ पर पानी का निकास बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत इतना पानी लगता है, मतलब घुटना तक पानी पहुँच जाता है। बरसात के दिन में तो मलेरिया और बहुत सारे बीमारी जो हैं मच्छर की वजह से हो सकता है। डेंगू का प्रकोप तो आप लोग जान ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। और रोड बनवाना है और पानी का निकास बहुत ज़रूरी है और लाइट वगैरह लगाना है ताकि सबको अच्छे से रास्ता दिख सके, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा क्राइम भी बहुत बढ़ गया है, तो अंधेरे में क्या क्राइम हो रहा है उसको रोकने के लिए लाइट भी ज़रूरी है। यानी आपका जो वार्ड है अंधेरे में डूबा रहता है। अंधेरे में डूबा रहता है, हाँ सही बात है। रोड के अंदर जाइएगा, रोड तो यहीं तक है, लेकिन अंदर में जो रहते हैं उनको तो समस्या है ना जी। रोड पर वालों को पानी नहीं लगता, लेकिन अंदर में हमारे जनता बहुत लोग हैं, अधिकतर लोग, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पानी भी भरा हुआ है। महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचा है आपने? महिलाओं के लिए यही सोचा है ना कि जहाँ जो लड़कियाँ हैं उनको शिक्षा में जो प्रॉब्लम आ रहा है उन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। और ये सरकारी स्कूल है आपके वार्ड में? हमारे वार्ड में दो सरकारी स्कूल है, एक है मांटू बेड़िया में है, एक सिज्जैन चक में है। पढ़ाई चलता है वहाँ पे? हाँ दोनों जगह चलता है, लेकिन सिज्जैन चक का जो स्कूल है वहाँ तो एकदम काम ही नहीं हुआ है, मतलब दो गो रूम है मात्र, वहाँ घेरा भी नहीं हुआ है और वहाँ मतलब कि बाथरूम का भी सोल्यूशन नहीं है, एकदम रद्दी हो गया है। आप युवा हैं, आप खुद अच्छे विद्यार्थी भी हैं तो स्कूल हम वहाँ सिज्जैन चक जो स्कूल है वहाँ हम खुद जाते थे पढ़ने, वहीं से हम पढ़े हैं। वहाँ मेरे पिताजी पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके हैं, वही पहले कार्य किए हैं, उतना ही हुआ है, उससे आगे एक काम नहीं हुआ है। मिड डे मील जो योजना है वो चलवाए थे, अभी भी पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको में भी लग रहा खेद है। तो यानी आप जीत के आएंगे तो इन सारी व्यवस्था को आप सुदृढ़ करने वाले हैं? हाँ, सबसे पहले तो स्कूल को एकदम बढ़िया बनाना है सिज्जैन चक का, और यहाँ पर जो है प्राइमरी स्कूल उस पर भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। चलिए, क्या कुछ जनता से अपील करना चाहेंगे आप? जनता से अपील यही है कि हम लोग को जिताएं ताकि आप लोग का जो भी सरकारी लाभ है वो आप सबको मिल सके। ये नहीं कि ऐसा को जिता दें कि वो सरकारी लाभ खुद को ही ले और जनता को मार दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। पाँच साल का ये रहता है, पाँच साल में बहुत विकास हो सकता है। ये मत देखिए कि पाँच दिन में वो क्या कर रहा है, जनता को ध्यान दे रहा है पाँच दिन और उसके बाद सो गया एकदम, ऐसा नहीं होना चाहिए। कहीं आप बदल तो नहीं जाइएगा? जनता आपको जिता देती है बाद में बदल जाइए तो? हम नहीं बदलेंगे, एकदम नहीं बदलेंगे, हम एकदम दृढ़ निश्चय किए हुए हैं। अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमन कुमार है, मैं वार्ड नंबर 24 का प्रत्याशी हूँ। हमारे पिताजी पूर्व वार्ड सदस्य रह चुके हैं सिज्जैन चक से, जो कि वार्ड नंबर पहले एक था।